अगर आप ऐसे समझना चाहें कि अगर इन रोल किक को हम रिवर्स करें तो आउट रोल होती है। मिसाल के तौर पर ये इन रोल है और ये इसमें दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो पाँव इस तरीके से होता है और ये चीज इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तो स्टाइल में हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं लेकिन पैर की शेप इस तरह होती है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगी आपको। ठीक है जी, साइड से देखिए। इस किक को जितना आप साइड से लाएंगे उतनी ही इसकी पावर बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर यहां से ही आप करते हैं तो इसकी पावर नहीं होगी, आपको इस एंगल से किक लाना होती है। जितनी इधर से लाएंगे, इसी किक को मैं फोर साइड से आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको इसकी मूवमेंट का अच्छे तरीके से पता चल जाए। आप इसको मिसाल के तौर पर अगर ये टारगेट है, यहां तक आपने किक लानी है, तो आप इसको इधर से लाएंगे, ठीक है, इधर से लाकर आप इस तरह अटैक करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां से लाएंगे तो ये पावर कम होगी। जितना इसमें गैप होगा उतनी ही पावर से, ये देखें एक और ये, इसमें फर्क आता है। आप जितनी साइड से लेके आगे हिट करेंगे किक को उतनी ही इफेक्टिव होगी। अब मैं बैक से करूंगा इसको, ठीक है। इसमें आपने जब किक को उठाना है तो सीधा नहीं उठाना, अमूमन ये होता है कि जो किक करते हैं वो तो इस तरह सीधी उठाते हैं, सीधी करते हैं, इसमें पावर नहीं होती। अगर आपका अपोनेंट जो है मुखालिफ खड़ा, उसकी ब्लॉकिंग अच्छी है, तो सीधी किक आती ही वो आप यहाँ से ब्रेक कर देंगे। इसलिए टेक्निक से इसमें बैंड लाना होता है। किस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ ऐसे लाइए इस तरह से, और किक को बंद करना है यहाँ पे आके, ताकि आपका कंट्रोल जो है 100% हो चुके, ठीक है। यही किक, ठीक है, ये किस तरीके से आपने इस तरह मारी। अगर आपने ये साइड इस्तेमाल करनी है तो आप इस तरह, अगर किक इस्तेमाल करनी है तो पाँव को इस तरह रखिए, करेंगे, ठीक है। अब इसको स्किपिंग स्टाइल में करेंगे, स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी स्पीड की तरफ आप मत आइएगा, उसे स्लो कीजिए, ताकि उसमें जब तक परफेक्शन नहीं आती उस वक्त तक आपने स्पीड की तरफ नहीं जाना, ठीक है जी। अब इसके लिए अब आउट रोल किक को हम फ्लाइंग बैक स्टाइल में करेंगे, स्पिनिंग बैक किक जो होती है, ठीक है जी। इसको जब आपने करना है, इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर लें इस स्टेप को। पहला हिस्सा जो है वो देखें, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपने ये करनी है, ठीक है जी। आराम से खड़े होंगे, ये उसके बाद यहीं से आपने जंप लेना है, बस इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। उसके बाद रोल करें बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ओके जी। फिर साथ आपने ये कैसे ये जरा ऊपर की दिखाइएगा, ये ऊपर की, ठीक है, ऊपर की पे ध्यान देना इस तरह से, राशि और इस तरह से आप करेंगे ऊपर। अगर
अगर बैलेंस आपका ठीक नहीं है तो पिकअप कोई फायदा नहीं, इसलिए इसमें बैलेंस जो है वो पैदा करना आपको, ठीक है। और स्ट्रेचिंग के हवाले से, अगर आप स्ट्रेचिंग आपकी अच्छी है तो ये किक ज़्यादा हाई जा सकती है। बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको किक भी बताऊँगा इसको मज़ीद परफेक्ट करने के लिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। को हार्ड करने के लिए दरख्त पे प्रैक्टिस करें, उम्मीद है कि बहुत जल्द आप इसको ग्रिप कर लेंगे, किक पे कमांड कर लेंगे, क्योंकि दरख्त पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो सबसे हार्ड प्रैक्टिस होती है। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि दुनिया का कोई भी मजबूत से मजबूत और पावरफुल आदमी जो है वो इतना सख्त नहीं हो सकता कि जितना दरख्त है। जब आप दरख्त पे या लोहे पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप किसी से भी फाइट करने के लिए खड़े हो सकते हैं। ओके।